मैंने गाजर कट कर ली, मटर छील लिए, बीन्स कट कर लिए और आलू भी। तो चलिए चलते हैं किचन में सुबह सुबह, चलिए बनाते हैं पोहा। प्याज तो भुना जा रहा है, तो प्याज इतनी प्याज की खुशबू आ रही है, हरी मिर्च, प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। नट्स को फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह से भून लेंगे। बीन्स है, मटर, गाजर और आलू। तो आज बनेगा वेजिटेबल्स वाला पोहा। तो पोहे को पानी से निकाल लिया है, तो चलिए सब्जियों को करेंगे फ्राई। तो चलिए सब्जी कुक कर लेते हैं। कैरेट को ऐड कर दिया है, तो गाजर को कर लेते हैं, भून लेंगे हम थोड़ा सब्जियों को। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मटर, थोड़ा मटर में टाइम लगता है, बाकी वेजिटेबल्स को फटाफट हो जाएंगी। तो आज बनेगा स्पेशल पोहा। इसमें ऐड करने के बीन्स भी ऐड कर देते हैं। चलिए पहले सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं, आलू, मटर, बीन्स, गाजर, सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह हम थोड़ी देर भून लेंगे। सब्जियों को थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि थोड़ा पक जाए। आलू मटर थोड़ी देर टाइम लगेगा, चलिए हम वेट करेंगे। इधर पोहा भी तैयार है, चलिए ऐड कर देते हैं इसमें हल्दी, मिर्ची और सॉल्ट। तो चलिए इसमें हमने ऐड कर दिया है, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हरी सब्जियाँ हमारी। अगर आपके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते तो आप उन्हें इस तरह ही पोहा बना के खिला सकते हैं, तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं पोहा। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और इसे थोड़ी देर में सब्जियों पर आ जाएंगी और ये पोहा सेट हो जाता है। तो लीजिए हमारा पोहा रेडी हो गया है। तो इस पर आप प्याज काटिए, नींबू डालिए, नट्स डालिए, आपको जो अच्छा लगता है डालिए और चलिए खाइए फिर से मज़े से। पोहा रेडी है, साथ में टमाटो केचप, तो चलिए केचप ही डालेंगे। यमी यमी टमाटो केचप, वाह। चलिए इसे करते हैं एंजॉय, पोहा हेल्दी, पोहा ईटिंग हेल्दी ईटिंग, खाइए पोहा यमी यमी। चलिए हम भी खाते हैं, आप भी खाइए, वाह यमी यमी। चलिए खाएंगे पोहा यमी यमी, तो लीजिए खाइए। चलिए हम भी खाते हैं, वाह वाह यमी यमी, खाइए। पोहा खाइएगा आप लोग।